अफगानिस्तान में तालिबान को बड़ी जीत मिली है। तालिबान ने पूरी पंजशीर घाटी पर कब्जा करने का दावा किया है। ये प्रांत अब तक अफगानिस्तान का वो आखिरी गढ़ था जो कट्टरपंथियों के कब्जे से बाहर था। इस लड़ाई में तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों को काफी नुकसान हुआ है। तालिबान ने कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सलेह के घर पर भी बम बरसाए थे। सलेह सुरक्षित है और अब उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। पंजशीर की रेसिस्टेंस फोर्स के कई टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। मारे गए लोगों में प्रवक्ता फहीम दश्ती, गुल हैदर खान, मुनीब अमीरी और अहमद शाह मसूद के भतीजे वदूद शामिल हैं। इसके बाद नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट ने कहा कि वो एक रणनीतिक स्थिति में है और पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि पंजशीर की इस लड़ाई में पाकिस्तान ने तालिबान को एयर सपोर्ट दी है। रेसिस्टेंस से लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स को भी एयर ड्रॉप किया गया है। तालिबान ने घाटी की सभी प्रमुख सप्लाई और सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले रेसिस्टेंस फोर्स ने सीज फायर की भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तालिबान पंजशीर से बाहर हो जाएं, बदले में हम अपनी सैन्य कार्रवाई रोक देंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।